Namaste students, now we are going to revise for August monthly test. First we move on to poem side, Padya. First one, Tulasidas. Tulasidas Ram ke ananya bhakta the. Tulasidas Krit Ramacharitamanas Mool Granth Valmiki Ramayan se prerit hai. इसका कारण है जनभाषा. तुलसीदास का जन्म संवत 1554 में हुआ. उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीता. तुलसीदास का जन्म अशुभ नक्षत्र में हुआ, अतः उनके माता पिता ने उनका त्याग किया. तब तुलसी अनाथ हो गए थे. बाबा नरहरिदास ने उनको पाल पोस कर शिक्षा दीक्षा दी. गुरु तुलसीदास जी की वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण कर दिया. तुलसी की विद्वत्ता देखकर एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या से ब्याह कराया. तुलसीदास अपनी पत्नी से अधिक प्यार करने लगे, एक क्षण भी ना छोड़ा. पति को सुधारने के लिए पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना भगवान से करो. यह नश्वर शरीर है, इस नश्वर जगत से मुक्त पालो. पत्नी की शब्द ने तुलसी के स्त्री मोह को मिटा दिया. वे काशी गए, भगवत भक्ति में लगती गए. ईश्वर की कृपा से बहुत बड़े कवि बन गए. उनकी मृत्यु सन 1680 में हुआ था. उनकी रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामायण आदि. नेक्स्ट वन इज पोयम कठिन शब्द, आपने पढ़ लेना इसे ध्यान से. उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर लिखिए. फर्स्ट वन, तुलसीदास जी भगवान गणपति का वर्णन कैसे करते हैं. तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान गणपति शिव और पार्वती के पुत्र हैं. वे सभी सिद्धियों का वासस्थल हैं. वे हाथी मुख वाले हैं. वे कृपा का सागर हैं. वे सुंदर हैं. वे सब कुछ करने के समर्थ हैं. वे मोदक खाना पसंद करने वाले हैं. वे प्रसन्नता से सबकी भलाई करने वाले हैं. वे विद्या का सागर हैं. वे स्वयं बुद्धि का देव है और सबको सुबुद्धि देने वाले हैं. सेकेंड वन, भगवान गणपति से हाथ जोड़कर तुलसीदास कौन सा वर मांगते हैं. तुलसीदास हाथ जोड़कर भगवान गणपति से वर मांगते हैं कि हमेशा श्री राम और सीता मेरे मन में बसे रहे. नेक्स्ट वन ऑल्सो कठिन शब्द, उसके मन आप इसे ध्यान से पढ़ लेना. प्रश्नों के उत्तर, तुलसीदास किसको करोड़ों दुश्मन के समान मानकर छोड़ने को कहते हैं. जिस व्यक्ति को भगवान श्री राम और माता सीता प्रिया नहीं है, उस व्यक्ति को करोड़ों दुश्मन के समान मानकर छोड़ने को तुलसीदास कहते हैं. सेकेंड वन, प्रहलाद किसको छोड़कर राम का भक्त बना. प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकशिपु को छोड़कर राम का भक्त बना. थर्ड क्वेश्चन, विभीषण क्यों अपने भाई को त्याग कर आया. विभीषण अपने भाई रावण के कुकर्म से कृतंध था. विभीषण मानता था कि जिसको राम प्रिय नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए, इसलिए वह अपने भाई को त्याग कर आया. फोर्थ वन, भरत किसको छोड़कर राम का प्यारा बना. भरत अपनी माता कैकेयी को छोड़कर राम का प्यारा बना. फिफ्थ वन, गोपियों ने क्यों अपने पतियों को त्याग दिया. गोपियों भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति ने थी. पतियों के कारण उनकी भक्ति में बाधा पड़ती थी, इसलिए गोपियों ने पतियों को त्यागा. सिक्स्थ वन, मित्र और पूज्य कौन है. जिस व्यक्ति को श्री राम प्रिय हैं
वही व्यक्ति भक्तों का मित्र है, उनके लिए वही व्यक्ति पूजनीय है। सेवंथ वन, भगवान राम के प्रेम के बारे में तुलसीदास का विचार क्या है? भगवान राम से जो प्रेम करता है वही हमारे मित्र बने रहने के योग्य हैं। जो भगवान श्री राम से प्रेम नहीं करता वह करोड़ों दुश्मन के समान छोड़ने योग्य हैं। श्री राम के प्रेम में बाधक बनने वाला पिता और भाई भी छोड़ने योग्य हैं, माता भी छोड़ने योग्य हैं। राम के प्रेम को ध्यान में रखकर ही किसी से नाता जोड़ना चाहिए। यहीतुवन, बलि ने अपने गुरु को क्यों त्याग दिया? बलि ने वामन बनकर आए भगवान को दान देना चाहा। गुरु ने बलि को रोका तो बलि ने गुरु को त्याग दिया व भगवान का भक्त बना। नेक्स्ट वन, सही उत्तर चुनकर खाली जगह पूरा कीजिए। तुलसीदास के गुरु - हैं बाबा नरहरिदास। सेकेंड वन, तुलसीदास गणपति से - का वर मांगते हैं, राम दर्शन। थर्ड वन, प्रहलाद अपने - को छोड़कर विष्णु भक्त बना, पिता। फोर्थ वन, विभीषण रावण का भाई था। फिफ्थ वन, बलि के गुरु - हैं शुक्राचार्य। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू प्रोसाइन। लेसन 1, टॉलस्टॉय फार्म। आथर महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय गांधी जी ने एक आश्रम स्थापित किया था जिसका नाम था टॉलस्टॉय फार्म। उन्हीं दिनों दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को अपना अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह का युद्ध कर रहे थे। वह आश्रम सत्याग्रहियों के लिए प्रशिक्षण शिविर था। उस आश्रम का वर्णन गांधी जी के शब्दों में दिया गया है। नाउ वी मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर्स फ्रॉम द लेसन साइड। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट वन, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्यों सत्याग्रह का युद्ध आरंभ किया? एक बार एक मुकदमे की पैरवी के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने देखा कि अंग्रेज प्रवासी भारतीयों पर अत्याचार करते थे। प्रवासी भारतीयों को अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का युद्ध आरंभ किया। सेकेंड वन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम का नाम टॉलस्टॉय फार्म था। टॉलस्टॉय फार्म आश्रम की जमीन कितने एकड़ की थी? टॉलस्टॉय फार्म आश्रम की जमीन 100 एकड़ की थी। आश्रम में कौन कौन से पेड़ थे? आश्रम में नारंगी, एप्रिकॉट, प्लम आदि फलों के पेड़ थे। फिफ्थ वन, गांधी जी ने आश्रम में क्या नियम बनाकर रखा था? गांधी जी ने आश्रम में ये नियम रखा कि नौकरन के द्वारा किसी भी प्रकार का काम ना लिया जाए, चाहे वह मकान बांधने का काम हो या खेती का काम हो। सिक्स्थ वन, आश्रम में कौन कौन रहने के लिए आने वाले थे? गुजरात, मद्रास, आंध्र और उत्तर भारत के लोग आश्रम में रहने के लिए आने वाले थे। सेवंथ वन, आश्रम में रहने वाले कितने धर्म के थे? आश्रम हिंदू, मुसलमान, फारसी और ईसाई धर्म के लोग रहते थे। इस तरह आश्रम में रहने वाले 4 धर्मों के थे। यहीतुवन, मांसाहार के संबंध में गांधी जी का विचार क्या था? मांसाहार के संबंध में गांधी जी का ये विचार था कि बड़ा अच्छा हो यदि मांसाहार का स्थान ना दिया जाए। नेक्स्ट वन, 9th क्वेश्चन, प्रेम का सहायक कौन होता है? परमात्मा प्रेम का सहायक होता है। 10th वन, मांसाहार की समस्या का
गांधी जी ने कैसे हल किया। आश्रम वासियों ने गांधी जी ने मांसाहार के संबंध में बात की। सबों ने निराबिश भोजन खाने की सहमति दे दी। इस तरह बातचीत के द्वारा गांधी जी ने मांसाहार की समस्या का हल किया। 11th प्रागजी देसाई कैसे आदमी थे। प्रागजी देसाई टॉल्स्टॉय आश्रम के रहने आए थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी धूप झाड़ा नहीं सहा था। 12th मकान बनाने का काम कौन कौन लगे। आश्रम में रहने के लिए जो भी आए वे सभी मकान बनाने के काम में लगे। उनमें कैलनबेग बिहारी नामे के सत्याग्रही, प्रागजी देसाई, जोसफ रायप्पन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जोसफ रायप्पन का हाल कैसा था। जोसफ रायप्पन अधिक कठिन परिश्रम कर नहीं सकते थे, लेकिन टॉल्स्टॉय फार्म में वे मेहनत करने लगे। वे कमज़ोर थे मगर फार्म के आकर सशक्त हो गए। 14th सैर करने के लिए कौन सी व्यवस्था थी। सैर करने के लिए जो जोहान्सबर्ग जाने की इच्छा करते वे सप्ताह में एक या दो बार जाते थे। वे पैदल जाते थे और उसी दिन लौट जाते थे। 15th आश्रम में कूड़े कचड़े और पाखानों की कैसी व्यवस्था की गई। आश्रम में कूड़ा कचरा एक गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती थी। झूठन और साग के कचरे से अच्छी खाद बन जाती थी। आश्रम के पाखानों को साफ करने का काम प्रत्येक कुटुंब को स्वयं करना पड़ता था। नेक्स्ट 16th जूते की आवश्यकता दूर करने के लिए गांधी जी ने कौन सी योजना बनाई थी। कैलनबेग ने पादरियों के एक मठ में जाकर चप्पल बनाना सीख लिया। उन्होंने गांधी जी को और उनके साथियों को भी सिखा दिया। इस तरह आश्रम में जूते की आवश्यकता दूर हुई। 17th शिक्षा की जिम्मेदारी किसने उठाई। शिक्षा की जिम्मेदारी कैलनबेग और गांधी जी दोनों ने उठाई। 18th शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयोग का परिणाम कैसा था। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयोग का परिणाम सफल साबित हुआ। लड़कों में कभी असहिष्णुता नहीं दिखाई थी। वे एक दूसरे के धर्म का आदर करना सीख गए। उसके बाद में आप सविस्तार उत्तर लिखिए। डिटेल आंसर्स। 1st टॉल्स्टॉय फार्म की बनावटी कैसी थी। 2nd टॉल्स्टॉय फार्म के नियमों को समझाइए। 3rd धार्मिक लोगों के लिए गांधी जी ने कौन सी योजना बनाई। 4th मांसाहार रहित आश्रम चलाने में गांधी जी कैसे सफल हुए। 5th आश्रम में पाठशालाओं की व्यवस्था कैसी थी। 6th खाना पकाने और आश्रम को साफ सुथरा रखने की व्यवस्था कैसी थी। 7th सत्याग्रही कुटुंबों को उद्यमी रखने की व्यवस्था कैसी थी। गांधी जी टॉल्स्टॉय आश्रम के सत्याग्रही कुटुंबों को उद्यमी रखना चाहते थे। कैलनबेग पादरियों के मठ में जाकर चप्पल बनाने सिखाए। उन्होंने सबको यह काम सिखा दिया। आश्रम के सभी लोग कोई ना कोई काम करते थे। बहनें खाना पकाती थी। सब लोग अपना अपना बर्तन साफ करते थे। जोहान्सबर्ग जाना था तो पैदल जाने का नियम था। सब लोग पाखाना स्वयं साफ करते थे। इन व्यवस्थाओं के कारण सत्याग्रही कुटुंब उद्यमी रहे। पैसे बच जाते थे। सब स्वावलंबी बन गए थे। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू स्टोरी साइड। आकाशदीप। आतर जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30th जनवरी 1890 में हुआ था। हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वह हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक थे। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की।
जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रससिद्ध धारा प्रभावित हुई बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों में चित्रण की शक्ति से संचित हुई और कामयानी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हिंदी में कम ही मिलेगा जिसने साहित्य के सभी अंगों को अपनी कृतियां से न केवल समृद्ध किया हो बल्कि उन सभी विधाओं के काफ़ी ऊंचा स्थान में रखता है। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुआ था। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर साइड, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आकाशदीप कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। आकाशदीप कहानी के कहानीकार का नाम श्री जयशंकर प्रसाद है। आकाशदीप के नायक नायिका का नाम बताइए। बुद्धगुप्त आकाशदीप कहानी का नायक है और चंपा नायिका है। चंपा कौन थी? चंपा के पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। वह चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका थी। फोर्थ वन, चंपा ने बुद्धगुप्त की सहायता कैसे की? चंपा ने बुद्धगुप्त को बांधने वाली रस्सी को खोल दिया, फिर उसने बुद्धगुप्त को एक शस्त्र भी दिया। फिफ्थ वन, बुद्धगुप्त ने युद्ध में किसको हराया? बुद्धगुप्त ने युद्ध में पोत के नायक को हराया। सिक्स वन, बुद्धगुप्त किससे प्यार करता था? बुद्धगुप्त चंपा से प्यार करता था। सेवन्थ वन, बुद्धगुप्त और चंपा का संबंध कैसा था? बुद्धगुप्त चंपा से बेहद प्यार करता था, उसे विवाह करना चाहता था। चंपा भी बुद्धगुप्त को बहुत चाहती थी लेकिन वह मानती थी कि बुद्धगुप्त ने ही उसके पिताजी को मार डाला, इसलिए वह बुद्धगुप्त से विवाह करना नहीं चाहती थी। एथ वन, बुद्धगुप्त भारत क्यों लौटना चाहता था? चंपा ने बुद्धगुप्त से विवाह करने से इनकार कर दिया। चंपा द्वीप में चंपा के साथ रहकर भी चंपा से अलग रहना बुद्धगुप्त के लिए मुश्किल था। स्वदेश की याद बुद्धगुप्त को सताने लगी। इन कारणों से बुद्धगुप्त भारत लौटना चाहता था। नाइन्थ वन, चंपा भारत क्यों नहीं लौटना चाहती थी? चंपा द्वीप के आदिवासी असभ्य थे। चंपा के कारण वे कुछ सभ्य होने लगे थे। चंपा उन निरीह लोगों की सेवा करना चाहती थी, इसलिए वह भारत लौटना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन, बुद्धगुप्त ने चंपा की याद में क्या बनाया? चंपा मानती थी कि बुद्धगुप्त ने उसके पिता को मार डाला, वह उससे प्रतिशोध लेना चाहती थी। मगर एक दिन चंपा का मन बदल गया, उसने बुद्धगुप्त को माफ़ कर दिया। इस सुंदर पल की याद में बुद्धगुप्त ने चंपा द्वीप में एक प्रकाश गृह बनाया। इलेवेंथ वन, बुद्धगुप्त ने 10 युवाओं को आज़ाद कैसे किया? बुद्धगुप्त दस्यु था। वह वर्णिक मणिभद्र के पोत को लूटने आया, उसे बंदी बनाया गया। वही चंपा भी बंदिनी थी, उनके हाथों को रस्सी से बांधा गया था। वे दोनों एक दूसरे की मदद करके आज़ाद हुए। नाउ वी मूव ऑन टू डिटेल क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट वन, बुद्धगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। सेकेंड वन, चंपा का चरित्र चित्रण कीजिए। थर्ड वन, आकाशदीप कहानी का उद्देश्य क्या है? और नेक्स्ट वन, आकाशदीप कहानी का सार क्या है? नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ग्रामर साइड, रस। श्रृंगार के लक्षण लिखिए। परिभाषा, काम भाव की दशा को प्राप्त होने श्रृंगार रस कहलाता है। इसमें उत्तम नायक नायिका का पवित्र प्रेम वर्णित है। रस सामग्री स्थायीबा रति या प्रेम आक्षय विभाव और आलंबन नायक या नायिका। अगर नायक आलम हो तो नायिका आक्षय, नायिका आलम हो तो नायक आक्षय। उद्दीपन विभाव
पात्रगत उद्दीपन, नायक या नायिका की वेशभूषा, उनके कार्य, उनका बोलना, तिरछी नज़र से देखना इत्यादि। पात्र से बहिरगत उद्दीपन चांद, चांदनी, चंदन, वसन, सुरभित पवन, एकांत स्थान, बगीचा, कोयल की कूक इत्यादि। अनुभव, अवलोकन, स्पर्श, मुस्कान आदि। संचारी भाव, आवेग, दीनता, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता आदि 33 भाव। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उदाहरण, रे सुभाषी बोल चुप क्यों हो रहा, पार्श्व से सौमित्री आ पहुँचे तभी, और बोले लो बता दूँ मैं अभी, नाक का मोती अदर की कांति से। बीच दाडिम का समझकर ब्रांदी से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक ये कौन है। यह साकेत का एक प्रसंग है। उर्मिला और लक्ष्मण आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ उर्मिला और लक्ष्मण दोनों एक दूसरों के लिए आक्षय और आलंबन हैं। उन दोनों की बातें एक दूसरे के लिए उद्दीपन है। हंसना अनुभव है, मद मोद आदि संचारी भाव है। वियोग श्रृंगार, अरि व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई, वही पाक है जो बिना भूख बावे, बता किंतु तू ही इसे कौन खावे। ये साकेत का प्रसंग है। लक्ष्मण श्री राम के साथ जंगल चले जाते हैं। उर्मिला विरह में तड़पती है, उसका दुख इतना गहरा है कि वह भोजन भी नहीं करती। यहाँ लक्ष्मण आलंबन है, उर्मिला आक्षय है, यादें उद्दीपन है, जड़ता दीनता आदि संचारी भाव है। अब तक हमें पोयम, प्रोज स्टोरी और ग्रामर तक जो रिवाइज़ किया है, आपने ध्यान से रिवाइज़ करना है और अच्छे से मंथली टेस्ट को प्रिपेयर करके लिख लेना। धन्यवाद।